मस्जिदों में सफ़ेद लिबास के साथ बिलखसूस जुमातुल मुबारक में आने की तलकीन की और पूरी तरह से सफाई सुथराई का एहतमाम करने का हुक्म दिया। इस तरह मस्जिद के अंदर लहसुन खा के आने से, प्याज खा कर के आने से, वो चीज़ें जिनमें बदबू होती है उनके खा कर आने से रोका गया है। क्यों? इसलिए कि साथ वाले बैठे शख्स को कोई तकलीफ ना पहुंचे। जब वो मस्जिद में सरसों के तेल के दिए होते थे, किसी ज़माने में आपने देखे होंगे, ये मिट्टी का तेल चूँकि बदबूदार होता है मस्जिदों में नहीं जलाया जाता था, सरसों के तेल के दिए होते थे, तो उसको लोग मस्जिद में जला लिया करते, लेकिन आला हजरत जब उसको मस्जिद में रोशन करते तो पहले मस्जिद से बाहर ले जाते, फिर उसको आग लगाते, फिर वापस मस्जिद में लेके आते। तो किसी ने कहा, हजरत आप इतना तकल्लुफ क्यों करते हैं? फरमाया कि ये जो दिया सलाई होती है ना, जब इसको जलाया जाता है इसमें गंदक होती है तो बदबू निकलती है, मैं गवारा नहीं करता कि इतनी बदबू भी अल्लाह के घर में फैले। तो ये हमारा दीन हमें सिखाता है, आप घर बनाते हैं, अल्लाह आपको अच्छा पाकीज़ा सुथरा कुशादा खूबसूरत घर दे, जिसका नहीं अल्लाह उन्हें भी अता करे, लेकिन उसके लिए जब आप बाकी ज़रूरियात के लिए चीज़ें रखते हैं कि ये फ़लाँ ज़रूरत के लिए है, ये जगह फ़लाँ ज़रूरत के लिए, तो उसमें नमाज के लिए जगह ज़रूर रखें। उससे क्या होगा, बच्चों के नफ्सियात में ये बात शामिल होगी कि ये वज़ू के लिए जगह है, ये नमाज के लिए जगह है, और इसके असरात उनके नफ्सियात के ऊपर मरतब होंगे। तो अमूमन हम हर चीज़ बना लेते हैं, लेकिन ये जो ज़रूरी चीज़ है, दिन में पाँच मरतबा जिसका मामला है, अगर मर्द मस्जिद में जाते हैं तो ख़वातीन तो घर में होती हैं, छोटे बच्चे तो होते हैं, तो ये एहतमाम होना चाहिए कि ये स्पेशल वज़ू की जगह है, ये नमाज की जगह है। इसको कहते हैं मस्जिदुल बैत, घर की मस्जिद, ये शरण मस्जिद तो नहीं होती है, जो हकाम इस मस्जिद के हैं वो उस मस्जिद के नहीं होते, लेकिन मस्जिद बैत उसकी अपनी बरकत है और वो हर घर के अंदर एक जगह मखसूस होनी चाहिए जिसको मस्जिद बैत आप करार दें। वो तब्दील भी हो सकती है, बाद में आप तामीर सानी करते हैं तो वो जगह बदली भी जा सकती है, जो हकीकी मस्जिद होती है वो तो तब्दील भी नहीं हो सकती, लेकिन ये मस्जिद बैत तब्दील हो सकती है। तो खूबसूरत एक गोशा घर का मस्जिद बैत के तौर पर मुख्तस करना चाहिए, घर में ज़रूर वज़ू की जगह बनानी चाहिए, इसके साथ मरतब होते हैं। इसी तरह मस्जिदों की सफाई सुथराई का ख्याल रखें। आजकल ये अच्छी बात है कि ये मसाजिद के अंदर खादिमीन मस्जिद, ये हमारी ही खून पसीने की कमाई से रखे गए हैं, लेकिन कभी ख़ुद भी मस्जिद की सफाई करें। बल्कि मैं आपको एक मशवरा दूँ कि साल में कम अज़ कम दो एक मरतबा ज़रूर ऐसा करें कि अपने बच्चों को लेकर, दोस्तों को लेकर के मस्जिद की तफसीली सफाई करें। मौली साहब के पास जाएं, कहें कि हज़रत हम एक दिन देना चाहते हैं मस्जिद की सफाई के लिए, तो पूरा लंगोटा कस लें अच्छी तरह से और मस्जिद को धोएं भी, सफ़ें भी खूब झाड़ें उसकी, और उसकी दीगर दीवारों पर, पंखों पर लगी हुई गर्द मैल झाड़े, पूरा दिन लग जाए चाहे। अगर आप हर महीने ये दिन नहीं दे सकते, तीन माह बाद दे दें, छः माह बाद दे दें, साल बाद दे दें, एक मरतबा ज़रूर करें। उसके बाद जो सुकून मिलेगा, मेरे से बात करना, मैं बताऊंगा आपको क्या सुकून मिलेगा। मस्जिद को साफ करने वाले का दिल साफ होता है, उसका दिल पाकीज़ा होता है। जब वो मस्जिद को धो रहा होता है, अल्लाह उसके दिल को धो रहा होता है। जब वो मस्जिद से कोई गंदगी वाली चीज़, कोई मैली चीज़ या कोई तिनका या कोई कूड़ा बाहर निकालता है, अल्लाह उसके दिल से गुनाहों के कूड़े निकालता है। तो ये ज़रूर एहतमाम करें, अपने मोहल्ले की मस्जिद में अपने बच्चों को साथ लेकर के जाएं, अपने दोस्तों को साथ ले लें, अपने मुलाजमों को साथ ले लें, तो साथ लेके आज मस्जिद हमने धोनी है, और लगोटा कस के मस्जिद की सफाई करें, देखना फिर क्या सुरूर मिलता है। मस्जिद नबवी में खातून थी हबशिया, वो मस्जिद की सफाई किया करती थी। एक दिन मेरे हुजूर ने फरमाया कि कितने दिन हो गए हैं मैं उसको देख नहीं रहा। अर्ज़ की, हुजूर वो तो फौत हो गई। तो फरमाया, तुमने मुझे बताया नहीं उसके जनाजे का। अर्ज़ की, हुजूर कार नबूवत की अहम जिम्मेदारियाँ आपके कंधों पे हैं, और हमने सोचा कि वो एक आम सी खातून है और हमने आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा, जनाजा पड़ा तदफीन कर दी। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, तुमने उसको आम समझा है जो अल्लाह के घर की सफाई करती थी। फिर हुजूर ने सहाबा को फरमाया, मुझे उसकी कब्र पर ले चलो। सहाबा के हमरा इतना मसरूफ़ वक्त था अल्लाह के महबूब का, लेकिन हुजूर ने वक्त निकाला, कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले गए और जाके उसकी कब्र पे खड़े हो के अल्लाह के महबूब ने दुआ मांगी। ये कौन सी खातून है? ये वो खातून है जो मस्जिद की सफाई किया करती थी। ये सारी चीज़ें हैं, ये गौर करने की है। तो हमारा इस्लाम, हमारा दीन सुथराई का दीन है, पाकिजगी का दीन है।